तो भाई एक के बाद एक ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं कि जो आप इंडियंस को तो खुश करेंगी, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है और पाकिस्तानी है इतना उल्लू इंडिया को बना बैठे हैं। मैं सच बता रही हूँ, जिस तरह से रिएक्शन चैनल्स जो बैठे हुए हैं, एक दो वीडियोस आपने जो भेजी वो देख के तो मैं शॉक में चली गई हूँ। कौन है वो जो बड़ा मोदी 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 करता है एक पाकिस्तानी, उसकी आपने वीडियो एक सजेस्ट की है, फेक है वो अभी तो, मैंने देखा नहीं, जिसमें पता चल रहा है वो कितने बड़े मतलब फेक है, फ्रॉडी हैं। फेक, तो रिएक्शन चैनल वाले भी फ्रॉडी हैं, मोदी मोदी करते रहते हैं, इंडिया इंडिया करते रहते हैं, अपने सब देश फेक, का कुछ है नहीं है, पाकिस्तान 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 मतलब पाकिस्तान की मिर्ची लग गई, पूरा पाकिस्तान फेक का है। पिछवाड़ा लाल हो गया, बस यही चलता रहता है। और यहाँ पर जो है इसको सब देख के जब दिखता है ना कि इनके साथ ये हो रहा है तो लगता है कि दे डिजर्व इट, क्योंकि ये इंडिया को भी इंडियंस को सीधे इंडियंस को बड़ा बेवकूफ बना रहे दिखा के कि हमें फेक बड़ा प्यार है इंडिया से, उल्लू बना हम तो रहे, बड़े ओपन माइंडेड है। जितने ओपन माइंडेड तुम हो ना वो हम सबको पता है, ये पैसे का खेल है, जो पैसा बोल रहा है तुम उसके लिए कितने हद तक गिर जाते हो वो तो अब सब दिख ही रहा है। तो चलो अभी जो वीडियो है वो है फ्रांस के बाद टर्की ने पाकिस्तानियों को जड़े थप्पड़। अबे ऐसे हैं हमारे इन्हीं वीडियोस पे भी रिएक्शन करके ही करते हैं, नो सेल्फ रिस्पेक्ट। करेक्ट, मतलब पाकिस्तानी होकर ऐसी वीडियोस कुछ नहीं करने है। वाले लोग कितने बेशरम होंगे वो आप खुद ही सोच लो। तो चलो वीडियो शुरू करें, हम तो मजे लेते हैं क्योंकि दे आर गेटिंग व्हाट दे डिजर्व। बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की ने दिल दहला कर रख दिया दिल दहला के इनका रख दिया, क्या किया गया पता नहीं वहां पे भी उन्होंने कुछ किया तो जी। होगा। टर्की में पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत थी, हुआ करती थी, अभी अभी रिसेंट पास्ट की बात है। जो आम टर्किश है वो पाकिस्तानियों के खिलाफ होने लगा है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की आ गई है जो कि एक्चुअल में अनपढ़ है, साथ में जाहिल भी है। और वो कहता है कि अमन के, दुनिया के अमन के लिए भारत का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कौन से मामलात हुए हैं, ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं पैदर पे कि अब टर्की में थोड़ा सा पाकिस्तानी सेंटिमेंट हर्ट हो गया है? और बरतानिया थोड़ा ने सा हमारी जो है वो इस्तेसाल किया है, तो इस वक्त बरतानिया का वजीर आजम कौन है? बदला तो ये होता है जाके वहां पे लेना। वो लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, वो इंडियन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। एक ही कम्युनिटी है जो दुनिया की सबसे बड़ी विक्टिमाइज कम्युनिटी है और वो है मोमिन। इनका रोने धोने हर जगह पे, इनकी बहानेबाजियां हर जगह। देखिए इंडिया का हमारा कोई कंपैरिजन ऐसा सच बनता नहीं। कितना पैसा खाया है, लोग जो है वो गोलियां लगने से मारे जा चुके हैं। फ्रांसीसी पुलिस ने अब तक 1300 के करीब लोगों को फसादात में मुलव्वस होने के बायस बंद कर दिया है। ईरान के रास्ते दोबारा टर्की पहुंचना शुरू हो गया और इस वक्त कहा यह जाता है कि 50 से 80 हजार इलीगल पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स वहां पर मौजूद है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रह के ये सोच रहा है काश मैं पाकिस्तान में ना पैदा होता। लेकिन टर्की में भी हमारे हवाले से या हमारा जो एज पाकिस्तानी इंप्रेशन है वो रुइन हुआ है। आपको इस वक्त मेजर सर्जरी की जरूरत है, तड़प रहे हैं आप, ब्लीडिंग जारी है। ये भी देखो शुरू हो गया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि फ्रांस के बाद तुर्की ने भी पाकिस्तानियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। दरअसल पाकिस्तान का ब्रादर मुल्क तुर्की भी अब नहीं चाहता कि पाकिस्तानियों को उनके मुल्क में रखा जाए। आप देख सकते हैं वीडियो में शरणार्थियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तुर्की को अपना ब्रादर कहने पाकिस्तानियों को अपने यहाँ नहीं रखना चाहता, तो फ्रांस तो बहुत दूर की बात है। फ्रांस अब शरणार्थियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने जा रहा है। दूसरी तरफ भारत और फ्रांस के बीच संबंध काफी पुराने हैं। फ्रांस भारत के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक है। अब दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में नया आयाम जुड़ने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के पेस्टियल दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। अब पाकिस्तानियों के खिलाफ तुर्की में विरोध प्रदर्शन देख पाकिस्तान सख्ते में है, उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। तुर्की में भी इसकी शुरुआत हुई है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी को निकाल लो। दिखता ही है जो अपनी कंट्री में बैठ के पैसों वाले कुछ भी कर सकते हैं, बाहर जाके तो क्या करेंगे। तो इनसे इंटरव्यू करवानी चाहिए। हाँ करनी चाहिए, वैसे इनसे पूछना चाहिए क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम, पुलिस में साथ में जा रही है तो मेक श्योर कि कुछ नहीं है। तो जी बोल क्या रहे हैं, पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत थी, हुआ करती थी, अभी अभी रिसेंट पास्ट की बात है।
और पाकिस्तान का जब नाम आता था, पाकिस्तानियों का नाम आता था, खुले दिल से उनका इस्तकबाल करते थे और बड़ा वार्म किस्म का वेलकम होता था। आम जो देते हो तुम, कौन से मामला हमें आम की टोकरी लगता है, इंसिडेंट्स हुए हैं पे दर पे कि अब टर्की में थोड़ा सा पाकिस्तानी सेंटर थोड़ा सा हुआ। अच्छा, वेट करो, फिर टर्की से ही हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगी और वो बताएंगी कि ये इंसिडेंट क्या है। वो ये भी बताएंगी कि मुझे और आपको आज भी खुदा के वास्ते तमीज क्या होती है। ये सब हम बात करेंगे और अब हम आपको लिए चल रहे हैं टर्की। इस तरह तो नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे गेस्ट जो है वो ऑल द वे फ्रॉम टर्की, जैसे इंडिया का करते हैं ना विजिट। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हुई है जानकर और ये सुन के कि पाकिस्तानियों की, अब जाहिर है कुछ गिनती के ममालिक हैं जहाँ हमारी कदर अहमियत बहुत ज्यादा है, यहाँ हमें बड़ा अच्छा लगता था कि जी यहाँ लोग हमें बड़ी इज्जत देते हैं, लेकिन टर्की में भी हमारे हवाले से या हमारा जो एज पाकिस्तानी इम्प्रेशन है वो रुइन हुआ है। उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो क्या ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से ये ये इस तरह के हालात पाकिस्तान को उर्दू आते साथ वो भी नहीं किए हैं। वाकई में बहुत अफसोस की बात है, टर्की की होगी ना, टर्की की नहीं है, पाकिस्तानी है, तो टर्की शो पाकिस्तानी जो टर्की में रहती है वो कि हाउ कैन दे नो उर्दू, इसका मतलब है कि हम बैंड आए हैं। अब थोड़ा सा फर्क ये आया है कि जब हम बोलते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं तो वो बोलते हैं ओ अच्छा, एंड दैट्स इट, मतलब वो जो एक वार्म वेलकम होता है ना उसमें उस वार्म्थ में थोड़ी कमी हमें महसूस होती है। ऐसा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि मोमिन सड़कों पे निकल आए और उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा मौका, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे, गाड़ियां चला रहे हैं, पब्लिक इमलाक को जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं और दुकानों को लूट रहे हैं, हिजाबी औरतें दुकानों को लूट रही हैं। ये कौन से मुजाहरे हैं, ये कौन से हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, ये कौन सी आजादी राय का इजहार किया जा रहा है, ये ड्रामेबाजी है। जहां पर इन्होंने पुलिस स्टेशन थाने दुकानें लूट ली जला ली, वहां पर इन्होंने मासाए की लाइब्रेरी भी जला दिया और मुसलमानों को कुछ खास नफरत है किताबों से। हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री देखो, हमारी भी तो उसके अंदर पूरी दुनिया में नॉलेज है, वो है कुरान और बाकी हदीसें शदीसें, इनसे जितनी मर्जी पढ़वा लें वो वही चाहिए, तभी वजह है कि इनसे कोई साइंसदान नहीं निकलता है, कोई दुनियावी काम ये नहीं कर पाते। तो बहरहाल इनको किताबों से लाइब्रेरी से नफरत है, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को तकरीबन 850 साल पहले जला दिया था सारी किताबें, उसके अंदर मिलियंस ऑफ बुक्स जला दी थी। आपके हजरत उमर जो बड़े जलीलुल कदर और बड़े गैरतमंद और बड़े जबरदस्त किस्म के सहाबी थे, दूसरे खलीफा थे, उन्होंने सिकंदरिया की लाइब्रेरी को भी चला दिया और अब इन्हीं के इस तरह के जो सुन्नत है अपने बड़े बुजुर्गों की उससे उस पर अमल करते हुए उन्होंने मारसाए की लाइब्रेरी भी चला दिया। तो ये बदमाशियां इनकी मोमिनों की हर वक्त चलती रहती हैं, जिस मुल्क में जाएंगे उस मुल्क के बखिये उधेड़ेंगे। ये जिन मुल्कों में जाते हैं ये उस मुल्क के कभी भी नहीं होते, ये गद्दार निकलते हैं और ये गद्दार ही रहते हैं। और ये जो हुए अब यूएस जो है वो इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर कहता है और वो कहता है ये अमन के, दुनिया के अमन के लिए भारत का होना बहुत जरूरी है। अगर दुनिया में अगर अमेरिका के साथ इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप नहीं है तो इट मीन्स कि दुनिया का अमन खतरे में है, दिस इज व्हाट बाइडेन साहब कह रहे हैं। और दूसरा जो है जारी बात है इनकी, जो वो कहते हैं हम इंडिया को हर तरह का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे ताकि वो हमें रीसप्लाइंग रिपेयर और मेंटेनेंस करे हमारी शिप्स की और एयरक्राफ्ट की। सो आप इसको अंदाजा लगा लें जिसे वो कहते हैं ना कि इसके ऊपर आइंदा आने वाले इंडिया को छोड़ो अपनी कंट्री की बातें किया करो, अमेरिका की बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स कमांड है, ठीक है जी, इसी से रोटी चलती है, यूनिफाइड कॉम्बैटेंट कमांड है अमेरिका की फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है जी, और कहा जाता है ये सबसे पुरानी है और सबसे बड़ी क्या पता है ना, पाकिस्तान का बात करेंगे भी कोई आया ही नहीं, पाकिस्तानी तो देख ही नहीं रहे, 4.25 लाख बंदा, ठीक है जी, इसमें जो है वो इन्वॉल्व है और तकरीबन ये समझ लें वो ये भी कहते हैं कि 100 मिलियन स्क्वायर माइल का जो एरिया है वो इसमें ये आप कह लें कि रफली 52% ऑफ द अर्थ जो सरफेस है वो इसमें इन्वॉल्व है। और ये आप जो वैसे तो डिफरेंट ममालिक ने अपने इंडो पैसिफिक की डेफिनेशन डिफरेंट की हैं, फॉर एग्जांपल सम पीपल कॉल इट के आई थिंक फ्रांस की ये थी कि दैट इट इसकी जो डेफिनेशन है स्टार्ट्स फ्रॉम द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लेके पूरा वर्ल्ड तो पैसिफिक के वो जो उधर तक वो जो जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है। तो भाई देख लो सड़कों पे
टर्किश लोग आ रहे हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है पाकिस्तान इमिग्रेंट्स और नहीं चाहिए, और बहुत इलीगल पाकिस्तानीज जो हैं वो आ रहे हैं उनके वहाँ और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। वही है ना, जैसे फ्रांस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही, जैसे जैसे वहाँ पे पॉपुलेशन इनकी बढ़ी है वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे जो है टर्की में, वहाँ पे भी इनकी जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं कि उनको जो कंट्री में उनको लग रहा है हमारी कंट्री बर्बाद हो रही है। और जब भी कहते हैं कि हम टर्की से किसी से बात कराते हैं, वो पाकिस्तानी से बात कर रहे हैं जो टर्की में रहता है, क्योंकि टर्किश लोगों को तो उर्दू नहीं आती होगी, तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू टॉक टू अनलेस कोई टर्किश ऐसा आए जो अंग्रेजी में बात करें, तो ये टर्किश को भी लेके नहीं आ पाए जो जो बात कर सके, वो लेके आए अपने पाकिस्तानी को जो वहाँ पे रहता है। और वो यही बोल रहा था कि भैया पहले जब हम बोलते थे हम पाकिस्तानी पाकिस्तान से, तो रिएक्शन डिफरेंट होता था, अब वो जब पूछते हैं कहाँ से और जब बोलते हैं पाकिस्तान तो अच्छा ओ करके बस ख़त्म कर देते हैं। तो यही प्रॉब्लम इनकी आ रही है। तो ऑब्वियसली है पढ़ाई ढंग की नहीं हो, सोच खुली ना हो, और वैसे तुम अपना रिलीजन करो पर जहाँ पैसे की बात हो तब तुम सब कुछ भूल के फिर तुम शुरू हो जाओ, फिर जब पैसा बंद फिर से अपना रिलीजन, तो दो साइड किए हुए इन लोगों ने, तो उसका असर तो तुम्हें दिखेगा ही दिखेगा। सीधे लोग कितनी देर तक तुम्हारी जाल में फंसे रहेंगे, कभी तो उनकी आंखें खुलेंगी। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।